सो हाय अगेन फॉर द थर्ड टाइम। तो ये वाला वीडियो जल्दी से मैं रैपअप करने की कोशिश करूँगा, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मुझे ना वो नाम नहीं लेता, चलो मुझे अभी जो मैसेज किया कि प्लीज़ सोर्स भी बताओ अपने वो मूवी वगैरह के साथ कि कहाँ से डाउनलोड करें, तो भाई अब ये मेरे से मत पूछो, सर्च करो खुद ही कहाँ से क्या लिंक मिलती है, किस कहीं पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैनल ऐप पे आपको मिलेगा ये सारी मूवीज, तो आप प्लीज़ खुद सर्च करो कुछ यार, खुद भी करो यार, यू हैव टू वॉच द मूवी। अब पता लगे कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊं, यू विल अगेन टेक्स्ट मी कि सर वो कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न भी तो भाई मूवी बता रहा हूँ, सर्च करो, डाउनलोड करो, व्हाटएवर डू, व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, वॉच। तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। देख बहुत सारे अब मैं कॉमन नेम आपको नहीं बताने वाला जो ऑलरेडी आपको पता होंगे या जो आप देख चुके हैं। अगर बाय चांस इसमें से कोई भी मूवी आपने नहीं देखी है, बस चार पांच मूवी कोई मैं आपको बताता हूँ जो मुझे एकदम से याद आती है, नहीं देखी है तो भाई सर्च करो और ज़रूर देखो, बहुत कुछ डीपली मिल सकता है आपको इन मूवीज़ में। और टाइम बड़ा अच्छा, टाइम का क्या बोलते हैं, समय का क्या होगा, सदुपयोग होगा यार तुम्हारे टाइम का। तो फर्स्ट मूवी इज़ अ मूवी ऑफ द ईयर 1989, बहुत पीछे जा रहा हूँ, बट इस मूवी की उस टाइम पे 89 वाले इरा में भी बोलते हैं बहुत ज़रूरत थी इस मूवी की। इवन नाउ इफ यू सी दिस मूवी, आज के टाइम पे भी इस मूवी का रेलेवेंस, इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 1989 में मूवी आई थी डेड पोएट सोसाइटी, राइट, डेड पोएट सोसाइटी। तो दिस मूवी इज अबाउट अ टीचर, इंग्लिश टीचर होते हैं वो, और वो कैसे स्टीरियोटाइप तोड़ने की बात करते हैं। और ये मूवी में ना मैंने जितना इस मूवी के बारे में जितना अभी मुझे पता है, आई फाइंड दिस पर्सन वेरी मच क्लोजर टू द वे आई अप्रोच माई स्टूडेंट्स, हाउ आई अप्रोच द टीचिंग, क्योंकि यू नो दिस पर्सन, दिस इंग्लिश टीचर इज अ टीचर हु वुड टेल हिज स्टूडेंट्स नॉट टू फॉलो वॉट इज गोइंग ऑन, नॉट टू जस्ट बी द सेम पर्सन। जैसे कई बार यार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ये डेफिनेशन, ये चीज़ें जो बुक में है एज इट इज हमें सेम लिखनी है क्या, और मुझे ये भी बताते हैं कि हमें ऐसा बोला जाता है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड इट शुड बी द सेम, एंड एवरी टाइम आई यूज टू टेल देम नहीं, यू नो यू कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर्स, यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम अदर्स, बट द प्रोडक्ट दैट यू वॉन्ट टू यू नो शोकेस, द आंसर दैट यू वॉन्ट टू प्रेजेंट शुड बी अ न्यू वर्जन, योर वर्जन। और ये वर्जन आपका तभी हो सकता है जब इसमें आप कुछ वैल्यू एडिशन करें, बहुत ज़रूरी है। तो इस मूवी में यू विल फाइंड कि ये जो इंग्लिश टीचर है डेड पोएट सोसाइटी में, ये कैसे बच्चों को सिखाता है कि यार बुक से बाहर एजुकेशन है, ये क्लासरूम की चार वॉल्स के बाहर रियल एजुकेशन है, लाइफ का एजुकेशन क्या है, वो ये चीज बताता है अपने स्टूडेंट्स को। और दिस पर्सन इज रॉबिन विलियम्स, जिसने ये यू नो इंग्लिश टीचर को प्ले किया है, इस कैरेक्टर को प्ले किया है। तो मुझे पता है इस मूवी में जैसे कि मैंने देखा कि यार स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना है और कैसे अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना है, एजुकेशन को कैसे सिर्फ सीमित नहीं करना हमें अपने अकेडमिक्स पे, बट वी शुड फोकस ऑन लर्निंग्स, टीचिंग्स, इंस्पायरिंग अदर्स, एंड स्पेशली जो मैं वैल्यूज की बात करता हूँ, वैल्यूज के बारे में बताया कि कैसे यार लाइफ में यू नो लिव लाइफ विदाउट एनी कंप्लेंट्स, देर आर सो मैनी कंप्लेंट्स दैट वी हैव, एंड कैसे लाइफ को ऐसे तरीके से जिया जा सकता है दैट यू योरसेल्फ कैन बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। सो जैसे यू नो टीचर इज अ जॉब जो बोलते हैं कि यार इट क्रिएट्स ऑल द अदर प्रोफेशन, इट इज दैट प्रोफेशन। सो बट टीचर इज ऑल्सो पर्सन हु इज वेरी क्लोजर टू द टीचिंग्स दैट आर गिवन बाय गॉड, अगर सही तरीके से ली जाए तो, समझा जाए तो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस मूवी। तो ट्राई, अगर आपको मिलती है मूवी कहीं पर डाउनलोड हो सकती है, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर मिलती है, तो ज़रूर देखना डेड पोएट सोसाइटी।
मूवी 1989 की, आपको लिंक में पता लग जाएगा, विकिपीडिया वगैरह थोड़ा सर्च करोगे तो आपको, गूगल करोगे ना तो आपको इसके बारे में बहुत डिटेल पता लग जाएगी। चलो मूवी नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, दैट इज द शॉशंक रिडेम्पशन। तो ये शॉशंक रिडेम्पशन जो मूवी है यार, ये भी एक क्लास मूवी बताई जाती है, कैसे लाइफ के प्रति आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। देर इज अ पर्सन बाय द नेम एंडी, जो अपनी वाइफ के मर्डर में इसको फंसा दिया जाता है, कॉन्ट्रोवर्सी में, एंड हाउ ही गेट्स इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल हो जाती है, और कैसे उसके पास सिर्फ शायद एक हैमर, एक हथौड़ी वगैरह, शायद इतना ही कुछ उसके पास एक चीज़ होती है जो जेल में वो अरेंज करता है, और 17 ईयर्स, 17 साल लगा देता है वहाँ पे एक सुरंग बनाने में, एंड कैसे वो उससे बाहर निकलता है। एंड दिस इज अ मूवी दैट विल गो थ्रू द क्या टॉर्चर्स उस पर होते हैं यार, कैसे वो डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आता है, एंड हाउ ही टेक्स हिज लाइफ, चार्ज ऑफ हिज लाइफ, एंड कैसे अपना बिखरी लाइफ में वापस से खुद ही ड्राइविंग सीट पे आता है और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में मोड़ता है और इन सब चीज़ों से बाहर निकलता है। तो वेरी गुड मूवी, आई हाईली रिकमेंड दिस मूवी टू एवरीवन। देन थर्ड मूवी इज मूवी ऑफ विल स्मिथ। तो कोई भी मूवी लिस्ट बॉलीवुड की इस मूवी के बिना अधूरी ही होती है, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। बहुत पहले मैंने देखी थी, जब मुझे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मूवी के बारे में बताया था, और बहुत अच्छी मूवी है। लाइफ में कैसे स्ट्रगल होते हैं, ये विल स्मिथ, इनकी मूवी है, जो कि एक सेल्समैन होते हैं बेसिकली, और लाइफ में कैसे वो कितने टफ सिचुएशन में यार खुद को, अपने बेटे को, हाउ ही टेक्स केयर ऑफ अ किड, हाउ ही लीड्स अ लाइफ जो कि बहुत डिफिकल्ट लाइफ है यार, टू यू नो कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो विल स्मिथ ने जो इसमें काम किया है वो बहुत ही प्यारा काम किया, और बहुत ही सराहनीय मूवी है यार, और बहुत इट विल टच यू हियर डायरेक्टली, ये मूवी में वो बात है। नेक्स्ट मूवी में आपको बताता हूँ, जो मैं हर बार लोगों को, जब भी कोई मुझसे पूछता ना अभी तक की सबसे अच्छी मूवी आपको कौन सी लगी, तो ये मूवी जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी है, क्योंकि इस मूवी एक्चुअली ये मूवी ना एक नॉवल पे बेस्ड है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो मूवी एक नॉवल पे बेस्ड है। इसकी एंडिंग पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ रिमार्क्स दिए, बहुत लोगों ने इसको नेगेटिव भी बोला, लेकिन ये मूवी यार मतलब कुछ भी थी यार, मैंने देखी थी। मूवी का नाम है इनटू द वाइल्ड। तो इनटू द वाइल्ड मूवी में कैसे कोई पर्सन अपनी फैमिली से, अपने यू नो वो मोनोटोनस बिल्कुल लाइफ से बोर होके कैसे एक स्टेप लेता है, डिफरेंट स्टेप लेता है, और ये जितनी मैं आपको मूवी बता रहा हूँ ना, कमाल की बात यह है, एवरी मूवी सर्कुलेट्स अराउंड ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। तो ये मूवी यार आपको जरूर देखनी चाहिए, इनटू द वाइल्ड। एंडिंग में जरूर आपको लग सकता है कि एंडिंग इसका, यू नो यू कैन बी जजमेंटल ऑन दिस कि एंडिंग ऐसी हो गई, एंडिंग वैसी हो गई, बट वेरी गुड मूवी टू वॉच, यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। इनटू द वाइल्ड इज द मूवी, तो बिल्कुल छोड़ना मत, ये जितनी मूवीज बताइए कोई भी मूवी छोड़ देना, बट इनटू द वाइल्ड मत छोड़ना मूवी यार, जहां से भी मिले जस्ट लुक फॉर दिस मूवी। एंड बॉटम लाइन इस मूवी का ये पर्पस ऑफ लाइफ। अभी पर्पस कुछ लोगों को तो यार 60s 70s मरते दम तक पर्पस नहीं मिलता, लाइफ जी जाते हैं वो पूरी, और कुछ लोगों को बहुत ही टेंडर एज में उनको पर्पस मिल जाता है लाइफ का। सो बिना पर्पस के गाड़ी अगर किसी भी डेस्टिनेशन की तरफ जाएगी, उसको पता ही नहीं डेस्टिनेशन कहाँ है, तो कहीं भी जाएगी नहीं पहुँचेगी डेस्टिनेशन तक। ये मूवी बिल्कुल क्लास मूवी है, ज़रूर देखना आप। तो इनटू द वाइल्ड नाम है मूवी का। और एक और मूवी जो मुझे याद आती है, वो एक मूवी है जिसमें होप का इससे अच्छा डेफिनेशन इस मूवी से अच्छा नहीं हो सकता, द फॉल्ट इन आर स्टार्स। ये मेरे कॉलेज टाइम पे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सर्कुलेट की थी ये मूवी, और कैसे दो आई थिंक कैंसर पेशेंट्स कैसे एक जगह पे मिलते हैं, जो एक उनका रिकवरी प्रोग्राम में मिलते हैं एक दूसरे से, और कैसे लोग यू नो चीज़ें शेयर करते हैं। कुछ लाइंस हैं उस मूवी में यार लाइफ के बारे में, बिल्कुल क्लास लाइंस, क्लासी लाइंस हैं, जो कि ऐसा इम्पैक्ट आपके माइंडसेट पे करेगी यार कि
क्या लाइन लिखी है, क्या बोल दी। जैसे बॉलीवुड में हम लोग बात करते हैं लिरिक्स ऑफ सम सॉन्ग्स रिटन बाय रिशाद कामिल साहब, बस वैसे ही यार कुछ आपको इधर मिलेगा कि क्या लाइन्स थी। एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर सो परफेक्ट फॉर द रोल, एंड यू लाइक दिस मूवी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स एंड विल गिव यू अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज इन द एंड ऑल्सो। तो ये कुछ चार पांच मूवीज मैंने आपको बता दी। अब रही बात वेब सीरीज की, तो यार देखो वेब सीरीज तो ऐसा है कि वेब सीरीज जिसका ज्यादा हाइप होने लगता है, बहुत पब्लिसिटी होने लगती है, लोग देखने लगते हैं वेब सीरीज। तो मैंने सारी वेब सीरीज नहीं देखी है, बट हाँ मैं जब बात कर रहा था आपसे इंग्लिश विंग्लिश मूवी के बारे में बॉलीवुड वाले वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था सुमित व्यास के बारे में। सो वन ऑफ दैट वेब सीरीज गाय हुम आई लाइक आई एडमायर, तो स्टार्ट उसी से करता हूँ मैं। तो द फर्स्ट वेब सीरीज दैट आई वॉच्ड वॉज ट्रिपलिंग। TVF जो ऐप है उसमें आपको मिलेगी ट्रिपलिंग मूवी। तो ट्रिपलिंग के सीजन वन सीजन टू दो सीजन आ चुके हैं, 8-10 8-10 एपिसोड हैं उसमें। तो अगर यू वॉन्ट टू सर्च फॉर टू थिंग्स या एनी ऑफ दीज टू थिंग्स, गो फॉर दिस। या तो रोड ट्रिप के बारे में कोई वेब सीरीज सर्च कर रहे हो तो गो फॉर ट्रिपलिंग, या फिर एक वो सिबलिंग बॉन्ड जो होता है ना, ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड जो होता है, अगर वो सर्च कर रहे हो तो भी परफेक्ट मूवी है देखने के लिए ट्रिपलिंग। तो ट्रिपलिंग जरूर सर्च करना सीजन 1। मुझे याद है मैंने जब ट्रिपलिंग देखना स्टार्ट किया था, मुझे किसी ने बताया था, रिकमेंड किया था कि मूवी देखना, ये वेब सीरीज देखना, और मैं रातों रात पूरी वेब सीरीज देख गया था। मैं बिल्कुल छोड़ ही नहीं पाया, आई जस्ट गॉट एडिक्टेड। एंड ड्यू टू सम सिमिलैरिटीज एंड लाइक वी आर थ्री सिबलिंग्स, तो बिल्कुल थ्री सिबलिंग्स के ऊपर एक्चुअली वो एक रोड ट्रिप विद सिबलिंग करके बहुत ही अनकॉमन कॉन्सेप्ट था, बट वंडरफुल वेब सीरीज टू वॉच। उसमें सुमित व्यास है जो एल्डर ब्रदर का रोल कर रहा है, देन देयर इज दिस चितवन इज देयर, बहुत ही अच्छी है, बहुत गुड डायलॉग्स ऑफ सिस्टर, एवरीथिंग इज वेरी वेरी कूल। सो बहुत ब्लेंड डायलॉग्स हैं, तो दैट मतलब एडल्ट कंटेंट वाली मूवी की ठीक है, उसमें कुछ डायलॉग्स वगैरह ऐसे हैं वेब सीरीज के हिसाब से, बट गुड 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 मूवी, गुड वेब सीरीज। और उसके अलावा मैंने सुमित व्यास को देखा था, आई थिंक बॉर्न फ्री, ये शॉर्ट फिल्म है एक, इट्स नॉट वेब सीरीज बट एक शॉर्ट फिल्म है। तो बॉर्न फ्री नाम से, कॉरपोरेट लाइफ में एक पर्सन है, कॉरपोरेट लाइफ में कैसे वो एंजॉय नहीं कर रहा तो भी वो उसी में लगा है, उसमें टैलेंट कुछ और है। बहुत बहुत शॉर्ट फिल्म है, दो तीन कैरेक्टर हैं, चौथा उसका बॉस है जो उतना रेलेवेंट नहीं, बट तीन कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी सिंपल स्वीट एंड क्रिस्प, मज़ा आएगा आपको ये देखने के लिए, देखने से। तो इसको ज़रूर देखना बॉर्न फ्री, ठीक है बॉर्न फ्री। ये भी आपको मेरे ख्याल से TVF पे मिलेगा, दिस इज फ्री। एंड इसके अलावा अगर आप और सर्च करें तो देर इज वन दिस TVF पे है पिक्चर्स, PITCHERS पिक्चर्स, ये सर्च कर सकते हो आप, पिक्चर्स जो वेब सीरीज है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, कॉरपोरेट वर्ल्ड की स्टोरी है पूरी, और कैसे एक पर्सन कॉरपोरेट लाइफ के झमेले में पड़ा हुआ है, करना क्या चाहता है लाइफ में, क्या सोचता है, स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं फ्रेंड्स अब, वेरी 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 गुड थिंग। तो एक यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बड़ी ही अट्रैक्टिव लगेगी आप लोगों को, पीपल स्पेशली हु आर इन टू देयर जॉब्स एंड ऑल, तो उनको ये मूवी बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा लगेगा वेब सीरीज। तो ट्रिपलिंग बताई मैंने, सॉरी, और पिक्चर्स मैंने आपको बताई, बॉर्न फ्री मैंने आपको बताया शॉर्ट फिल्म, उसके बाद मिर्जापुर ऑलरेडी आप लोगों ने सुना होगा यार, मिर्जापुर, सीक्रेट गेम्स, ये सब ऑलरेडी है। और कुछ डिफरेंट चीज़ क्या, हाँ द फैमिली मैन करके है जो मनोज वाजपेयी का है, वो भी बहुत बढ़िया है, मनोज वाजपेयी तो मतलब कमाल है। और एक और चॉपस्टिक्स जो मैंने देखा था, इसमें बहुत टाइम के बाद मुझे अभय देओल दिखा था, तो ये भी एक अच्छा वो है वेब सीरीज है चॉपस्टिक्स नाम से, तो दैट इज ऑल्सो कूल, मतलब ठीक है, वॉचेबल है वंस। तो ये सारी मैंने आपको वेब सीरीज बता दी है यार। इसके अलावा अगर मैं कुछ आपको बता सकता हूँ, तो आखिरी चीज जो मुझसे बोला था सेकेंड वीडियो के बाद कि मैं अभी मैं अपना टाइम पास कैसे करूँ, यही सारी मूवीज देख रहा हूँ क्या, तो नहीं,
ये सारी मूवीज मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, इसमें से एक आध कोई सी ऐसी मूवी है जो मुझे अभी देखनी है। हाँ, मुझे भी देखनी है एक मूवी, बाकी मैं ऑलरेडी सब कुछ देख चुका हूँ। और अभी फिलहाल जो डे टू है ना, तो डे टू का लॉकडाउन वाला डे टू है, तो मैंने अभी इंटरव्यूज देखना स्टार्ट किया है। और इंटरव्यूज ऐसे लोगों के देखना स्टार्ट किया जैसे पहले मैं ऑलरेडी बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। लास्ट हॉलीडेज में शायद मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने बहुत लोगों का बताया था यार कि मैंने हिटलर के बारे में पढ़ा, मैंने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा, भगत सिंह के बारे में पढ़ा, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ा और महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, बहुत लोगों के बारे में मैंने पढ़ा, मैं अकबर के बारे में पढ़ा, आई डोंट इवन रिमेम्बर प्रॉपरली इतने लोगों के बारे में मैंने ऑटोबायोग्राफीज वगैरह पढ़ी है। बट इस लॉकडाउन पीरियड में लास्ट 2 दिन से मैं इंटरव्यूज देख रहा हूँ, जो एक वो आते हैं 10 लोग इंटरव्यू विद नीलेश मिश्रा, तो उनके इंटरव्यूज और भी दूसरे इंटरव्यूज में देख रहा हूँ इन लोगों के। मैंने ये 3-4 लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार, ये एक्टर्स, तो मैं इनकी स्टार कास्ट के बारे में बात करता हूँ और लोग मिस कर रहे होंगे, मैंने एक स्टार का नाम नहीं लिया इस वीडियो में। तो भाई ऐसा है कि नॉट ऑलवेज आई लुक फॉर कॉन्टेंट, आई डोंट जस्ट लुक फॉर एंटरटेनमेंट ऑलवेज, तो मूवीज वगैरह फैन फॉलोइंग दैट इज एट वन प्लेस। बट अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ इंटरव्यूज की, क्योंकि देखो इंटरव्यूज में एक्चुअली एक पर्सन, एक कैरेक्टर या एक्टर का रियलिटी पता लगती है। अगर वो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत मैनिपुलेट करता है, बहुत बड़ा स्टार है और यू नो अपना कैरी करता है वही चीज़ जो सेट पे कैरी करता है तो वो या करती है, तो ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस को ज़्यादा जज नहीं किया जा सकता। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ रोल प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि यार जो बहुत ही नेचुरल, बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं, और इनके इंटरव्यू से इतना कुछ सीखने को मिलता है मैं नहीं बता सकता आपको। मैंने ये चीज़ ऑटोबायोग्राफी जब मैं पढ़ रहा था, बुक रीडिंग कर रहा था ये ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में, तब मैंने कहा था, और ये बात मैं आज फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये जो लोगों के इंटरव्यूज सुनने को मिलते हैं और जब ये अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, और कुछ चीज़ें इतनी प्यारी बताते हैं लोग कि मतलब सुन के अच्छा लगता है कि यार ये इनके एक्सपीरियंस ऐसे हैं, और इसीलिए शायद ये लोग मनोज वाजपेयी हुए, इसलिए ये लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए, इसलिए ये लोग पीयूष मिश्रा हुए, इसलिए ये लोग शायद संजय मिश्रा हुए। मैं इन लोगों को बहुत बहुत मैं इनके इंटरव्यूज वगैरह भी देख रहा हूँ, और मैं बता नहीं सकता इन्होंने जो जो चीज़ें शेयर की है अपने बारे में। आई वॉज गोइंग थ्रू द इंटरव्यू ऑफ मनोज वाजपेयी टूडे, यस्टरडे आई कंप्लीटली रेड, कंप्लीटली हर्ड दिस पर्सन संजय मिश्रा। कॉमेडी टाइम मुझे हमेशा इनकी पसंद थी और मुझे पता था कि ठीक है एक्टर है, साइड एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर है, बट इतना कुछ जो वो बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में, कहाँ से क्या स्ट्रगल करके क्या ऊपर उठे हैं यार, मतलब कमाल है। और जब बड़े बड़े हीरोज की बात होती है यार, मतलब वो बात मुझे उन बड़े स्टार्स में नहीं दिखती जो इन लोगों में दिखती है, क्योंकि यहाँ पे रियल स्ट्रगल दिखता है, बताते हैं लोग और इससे सीखने को मिलता है। तो लास्ट लाइन जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वीडियो एंड करने के जस्ट पहले, संजय मिश्रा साहब जब ये अपना इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे तो ये बता रहे थे, कैसे हम लोग हर बार बोलते हैं ना कि यार दैट, जैसे बार बार इंटरव्यूअर्स ही पूछने लगते हैं कि लाइफ में व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, क्या अचीव करना चाहते हो आप, इतना कुछ ऑलरेडी आपने स्ट्रगल किया, अचीव किया, आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, एनी ड्रीम दैट इज स्टिल रिमेनिंग जो अभी फुलफिल नहीं हुआ आपने, जो अचीव नहीं किया ऐसा कुछ। तो 90% ऑफ टाइम्स ग्रेट पर्सनैलिटीज जिनका मैं सुना अभी तक, सब लोग यही बोलते हैं दैट वी वॉन्ट टू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एज अ गुड ह्यूमन बींग, अच्छे ह्यूमन बींग बन के जाना है, लोग याद करें एज अ गुड ह्यूमन बींग। बट संजय मिश्रा साहब की जब मैंने बात सुनी यार, उन्होंने जो चीज़ अपना पर्सपेक्टिव दिया लगी कि एक अच्छे ह्यूमन बींग बनने का एक विचार तो सब में रहता है, बट मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं समाज को छोड़ूँ तो एक अच्छे समाज को अलविदा करूँ, मतलब डिपार्टिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड फाइन, फ्रॉम द सोसाइटी फाइन, बट आई विश कि मैं एक अच्छे समाज से विदा लूँ, मतलब समाज ही अच्छा हो जाए यार। बहुत अच्छी बात थी। और आई होप जितनी मूवीज मैंने आज आपको बताई है, बॉलीवुड, हॉलीवुड और या फिर ये वेब सीरीज वगैरह,
इनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और ये टाइम आपका यूटिलाइज होगा यार। प्लीज अभी भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो समय जाने दे रहे हैं, प्लीज डोंट डू इट यार। बाहर तो बड़ा झमेला है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बट ये टाइम हमें मिला है यार फॉर यू नो, यू कैन यूज इट द अदर वे ऑल्सो। डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, लर्न अ स्किल, मेडिटेट। ये बहुत बहुत ऐसी चीजें हैं, ऐसा टाइम मिला है जो आपको फिर नहीं मिलेगा। तो व्हेन यू आर गेटिंग दिस टाइम, यूज इट वेल, एंड लाइफ इज अ वन टाइम ऑफर, यूज इट वेल। मेरी टी शर्ट का एक मैसेज था। बाय गाइस, बाय।